कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की रवां हफ्ते नेटो के इजलास में शिरकत। यूक्रेन नेटो में शमूलियत के लिए कैनेडा की हिमायत के लिए पुरउम्मीद। माहरीन ने नेटो इजलास को अहम मौका करार दे दिया। कैनेडा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी वार्निंग का निफाज। कुछ इलाकों में गर्मी और कुछ में तूफानी बारिश की वार्निंग। ऑन्टेरियो के अक्सर इलाकों के लिए तूफान की वार्निंग जारी। भारत में शदीद बारिशों और सैलाब से 22 अफराद हलाक। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बारिश का 40 साल रिकॉर्ड टूट गया। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। स्वीडन कुरान पाक की बेहरमती के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में मुख्तलिफ ममालिक से हजारों मुसलमानों ने शिरकत की। यमन के हौसियों ने स्वीडन से दरामदात पर पाबंदी लगा दी। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और नेटो के दीगर रहनुमा इस हफ्ते अपने सालाना सरबराही इजलास के लिए मशरिक की तरफ लिथुआनिया का रुख कर रहे हैं। उनके साथ कुछ खूबसूरत जबान और बहुत ज्यादा तवक्कात भी होंगी। रूस की जानिब से यूक्रेन पर मुकम्मल हमले के 500 दिनों से ज्यादा अरसे बाद इस जंग में घिरे मुल्क के सियासी रहनुमाओं का कहना है कि वो तवक्को करते हैं कि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो रवां हफ्ते होने वाले नेटो सरबराही इजलास में उनकी हिमायत करेंगे। मगरबी फौजी इतिहाद के रहनुमा नेटो में यूक्रेन के दाखिले के वक्त और शराइत पर बहस करने वाले हैं। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बाजरकान को इस बारे में गहरे तहफ़ुज़ात हैं कि मशरकी यूरोपीय मुल्कों को कितनी जल्दी रुकनियत की जमानत दी जानी चाहिए। गुज़िश्ता माह कीव में मुल्की पार्लियामान के सामने गर्मजोशी से मौसूल होने वाली तकरीर में ट्रूडो ने हालात की इजाज़त होने पर यूक्रेन की रुकनियत की भरपूर तायद की। ट्रूडो ने यूक्रेनी पार्लियामेंटेरियंस को बताया कि यूक्रेनियों को अपना मुस्तकबिल खुद मुंतखब करने के लिए आज़ाद होना चाहिए। उनके तबसरों ने कानून साजों पर गहरा असर डाला और इतिहाद में मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से यूक्रेन में तवक्कात का एहसास पैदा किया। दूसरी जानिब कैनेडा के खारजा पॉलिसी से ताल्लुक रखने वाले बहुत से तजियाकार बयान करते हैं कि मंगल और बुध को इतिहाद के लिए अहम लम्हे के तौर पर क्या सामने आने वाला है, जो शायद सर्द जंग के खात्मे के बाद या इस इत्तेहाद की तकरीबन 8 दहाइयों की तारीख में भी सबसे अहम हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया कई दहाइयों पहले की नस्बत बहुत मुख्तलिफ जगह है। उफक पर रूस वाहिद चैलेंजर नहीं है। चीन और ईरान को नए मुमकिन खतरात के तौर पर देखा जा रहा है। कनाडा के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी, बारिश, गरज चमक और मुमकिन भगोलों की वार्निंग के साथ कनाडा के बेशतर हिस्सों में इंतहाई मौसम के इंतबाहात बरकरार हैं। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक शुमाल मगरबी ऑन्टेरियो की सावंत लेक, स्ट्रिजन लेक और स्यूकिस लुक आउट की कम्युनिटीज के लिए तूफान की वार्निंग जारी की। इस दौरान हिडसन बे पर फोर्ट सेवन की कम्युनिटी को बारिश की वार्निंग का सामना है। सुबह क्यूबेक में बारिश और शदीद गरज चमक के लिए मुतादित इंतबाहात जारी किए गए हैं, जिनके तहत आसमानी बिजली, तेज सैलाब और निकल कर साइज के ओले पड़ने का इम्कान है। 6 सूबों और 2 खितों में गर्मी की वार्निंग जारी है, क्योंकि गर्मी की जारी लहर के थमने के कोई आसार नहीं है। एटलांटिक कनाडा में न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कॉटिया और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में इतवार को दर्जा हरारत 30 डिग्री के करीब पहुंचने की पेशगोई की गई है। पीर तक जनूबी और साहिली ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ हिस्सों के लिए दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस के करीब या इससे ऊपर बढ़ने की पेशगोई की गई है। कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुँचने की तवक्को है। अल्बर्टा में सूबे का बेशतर हिस्सा गर्मी की वार्निंग के जेरे असर है। लाइट मिनिस्टर सैस्कीचुआन में दर्जा हरारत 1 जैसे रहने की पेशगोई की गई है। माहौलियात कनाडा का कहना है कि बहुत ज्यादा दर्जा हरारत हीट स्ट्रोक या गर्मी की थकन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है, खासतौर पर छोटे बच्चों, हामला खवातीन,
बूढ़े बालिगों, दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद और बाहर काम करने वाले या वर्जिश करने वालों के लिए। सूबों और खित्तों में से सिर्फ न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर और नोनावित को माहौलियात कनाडा के मौसमी इंतबाहात से बचाया गया था, जबकि मिनी टूबा के बेशतर हिस्से को शदीद तूफानी बारिश का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो इंतबाह के लिए दहलीज तक नहीं पहुंचे थे। भारत के दारुलहुकूमत नई दिल्ली में बारिश का 40 साल रिकॉर्ड टूट गया, जहां 24 घंटे में 154 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारत में गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़ियात पेश आए, जिसके नतीजे में 22 अफराद हलाक हो गए। पानी जमा होने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है, ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई करते हुए पहली वार्निंग जारी कर दी है। शदीद बारिश से शहर के कई हिस्से डूब गए। नई दिल्ली की सड़कें, गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे, जबकि आंधी और तूफान से मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद हलाक हो गए। भारतीय रियासतों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता रोज शदीद बारिश हुई। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर और पंजाब में भी गुज़िश्ता रोज शदीद बारिश हुई। भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली में 24 घंटों में बारिश के सबब 15 इमारतें गिर गईं और आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से पुल बह गया। भारतीय रियासत उत्तराखंड में 3 रोज के लिए शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। भारतीय महकमा मौसमियात की रियासतें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। मगरबी बंगाल, सकम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में 5 रोज तक शदीद बारिश का इम्कान। दूसरी जानिब अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मौसलाधार तूफानी बारिश के बाद पटनम और ऑरेंज काउंटीज में सैलाब आ गया। रॉकलैंड काउंटी में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया और मुतादिद गाड़ियों को बहा ली गया। बारिश के बाद लाखों अफराद बिजली की फराहमी से महरूम होकर रह गए हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यूरोपीय यूनियन ने भी अपने रद्द अमल में स्वीडन वाक़े को जारहाना और इश्तियाल अंगेजी का वाज़ह अमल करार दिया है। मुजाहरे में मुख्तलिफ ममालिक से हजारों मुसलमानों ने शिरकत की और बेहरमती करने वाले शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वाज़ह रहे कि स्वीडन के शहर स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर ईद उल अज़हा के रोज़ कुरान पाक की बेहरमती का वाक़या पेश आया था। कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ इस वक्त दुनिया भर में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं और मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। दूसरी जानिब स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ मैनचेस्टर में भी एहतजाज किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी जुमे के रोज यौम तकदीस कुरान मनाया गया था। यमन के हौसियों ने कुरान की बेहरमती के वाकये के बाद स्वीडन से दरामदात पर पाबंदी लगा दी। हौसी वजीर तिजारत ने कहा कि दरामदात पर पाबंदी का फैसला स्वीडन में कुरान की बेहरमती के बाद किया गया है। वजीर तिजारत का कहना था कि स्वीडिश अशिया की दरामदात महदूद है, ताहम ये फैसला अलामती अहमियत रखता है।